हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज है मेरे पास वीवो का T3X 5G और ओप्पो K12X 5G। आज हम इन दोनों स्मार्टफोन का रिव्यू करने वाले हैं और कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों में कौन सा मोबाइल फोन बेस्ट है इन बजट। दोस्तों यहां पर जो मेरे पास वीवो T3X 5G है, इसका हमारे पास 4GB 128GB वेरियंट है जो कि आपको 13,000 रुपये में मिल जाएगा। वहीं पर हमारे पास ओप्पो का K12X 5G मोबाइल है, वहीं पर ये आपको 6GB 128GB 13,000 मिल जाएगा। दोनों बजट एक ही है, रैम रोम का आपको फर्क रहने वाला है, एक आपको 4GB मिलेगा, एक आपको 6GB मिलेगा। अब इसकी आज हम स्पेशल फीचर के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें स्पेशल फीचर कौन कौन से दिए गए हैं और इसमें जो है क्या क्या आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं, दोनों में कौन सा बेस्ट रहेगा, ये सब बताने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर वीवो का T3X है तो कुछ इस टाइप से बॉक्स पैकिंग में आता है और यहाँ पर इसको रिमूव करने के बाद कुछ ऊपर इस टाइप से हमारा फोन रखा हुआ निकलेगा। इसको रख लेते हैं साइड में एंड यहाँ पर हमें बॉक्स में और क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट क्लियर क्रिस्टल कवर मिलेगा जो कि अच्छी क्वालिटी का है, इसको भी साइड में रख लेते हैं। एंड यहाँ पर आपको यूजर मैनुअल मिल जाएंगे और यहाँ पर जो है आपको मिल रहा है 45W का एडाप्टर, फास्ट चार्जर है, अच्छा चार्जर है। तो ये 44W का है, 44W का बढ़िया चार्जर है, अच्छी यहाँ पर टाइप सी क्वालिटी, टाइप सी अटैक मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी में। वहीं पर अगर अनबॉक्स करते हैं यहाँ पर ओप्पो K12X 5G को तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये पैक निकलेगा फ़ोन, सेम उसी कंडीशन में। इसको भी रखते हैं साइड में एंड यहाँ पर इसको देखते हैं, हटाते हैं। यहाँ पर आपको कवर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसमें आपको ब्लैक कलर का कवर मिल रहा है, वो भी थोड़ी डिजाइनिंग के साथ। और वहीं पर अगर आप वीवो की बात करेंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट कवर मिल रहा है क्योंकि ये ब्लैक कवर ही आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा, कुछ भी होना नहीं है इसमें। और ये वाला कवर आपका पीला पड़ जाएगा, बहुत ही जल्दी पीला पड़ जाएगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कवर आपको ओप्पो के फ़ोन में बढ़िया मिल रहा है, इसको रख लेते हैं साइड में। एंड यहाँ पर आपको 45W का एडाप्टर मिल रहा है और वीवो में आपको 44W का एडाप्टर मिल रहा है, तो एडाप्टर भी आपको ओप्पो K12X में बढ़िया मिल रहा है। चार्जर भी इसका अच्छा है, 1W एक्स्ट्रा है। डाटा की बिल आपके दोनों सेम क्वालिटी में रहने वाली है। तो अब बॉक्स को रख लेते हैं साइड में एंड अब हम बात करते हैं अपने दोनों स्मार्टफोन की, जो कि यहाँ पर हमारे पास है ओप्पो का एक, ये वीवो का T3X 5G। इसका कुछ पीछे से लुक इस टाइप से रहने वाला है और वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हमारे पास ओप्पो का K12X 5G, इसका भी लुक बहुत ही बढ़िया है। दोनों में आपको मैट फिनिश पैनल मिलेंगे पीछे, दोनों में आपको स्क्रैच नहीं आने वाले हैं, ये भी स्क्रैचलेस है और ये भी स्क्रैचलेस है। इसमें कैमरा मॉड्यूल सर्किल में दिया गया है एंड इसमें आपको साइड में देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको दो कैमरा दिए गए हैं पीछे, इसमें भी आपको दो कैमरा दिए गए हैं। प्राइमरी कैमरा दोनों का 50MP का है, सेकेंडरी कैमरा 2MP का है, एक फ्लैश लाइट आपको मिल जाएगी, वहाँ की माइक्रो सेंसर होते हैं कैमरे में। फ्रंट कैमरे की बात करें दोनों में 8MP का कैमरा मिलने वाला है, दोनों में पंच होल डिस्प्ले के साथ कैमरा दिया गया है। दोनों के डिस्प्ले की साइज की बात करें तो सेम है, रिफ्रेश रेट भी सेम है। नीचे की तरफ आपको दोनों फोन में टाइप सी चार्जिंग, माइक सेंसर, स्पीकर और 0.5mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा। ऊपरी तरफ आपको किसी भी फोन में नॉइज कैंसिलेशन माइक नहीं मिलेगा। तो सेम फीचर के साथ दोनों यहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं और यहाँ पर आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएगा। दोनों में आपको साइड प्लस माइनस वॉल्यूम बटन मिलेंगे, इस साइड आपको दोनों फोनों में सिम ट्रे मिल जाएगी। दोस्तों इसमें आपको ओप्पो K12X में डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर मिल रहा है, वहीं पर वीवो T3X में आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल रहा है 6th generation का। इसमें आपको 6th generation प्रोसेसर मिल रहा है, इसमें आपको डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर मिल रहा है। तो प्रोसेसर के मामले में वीवो थोड़ा बढ़िया फोन रहेगा, अच्छा फोन रहेगा, एक ही बजट में दोनों फोन है। ओप्पो K12X में आपको जो बैटरी रहने वाली है वो बैटरी आपको 5100mAh की है, वहीं पर वीवो में आपको 6000mAh की बैटरी मिल रही है। तो बैटरी के मुकाबले में वीवो का फोन बढ़िया है। कैमरे दोनों के सेम है, डिजाइन के मामले में दोनों फोन सेम है, कोई भी आप ले सकते हैं, वो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो यूजफुल चीज है कि बजट के, तो बजट तो दोनों का सेम है लेकिन रैम अगर आपको ज्यादा मिल रही है तो ओप्पो K12X में मिल रही है। ये आपको 6 128GB 13,000 का मिल रहा है, ये आपको 4 128GB 13,000 का मिल रहा है। तो रैम के मामले में ओप्पो फोन ज्यादा बेस्ट रहेगा, बाकी हर मामले में आपको वीवो का फोन ज्यादा ठीक रहेगा। तो आपको रैम को नहीं देखना चाहिए, रैम को कंपेयर मत करो। और यहाँ पर जो ओप्पो K12X फोन का लुक है ये OnePlus Nord C4 से कंपेयर किया गया है, वहीं उसी का लुक आप इसमें जो है थोड़ा सा डिजाइन किया गया है। OnePlus Nord C4 का डिक्टो कॉपी भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब जो OnePlus का फोन आता है वो सेम इसी तरह इसी कैमरा मॉड्यूल में इसी डिजाइन में आता है। वहीं पर अगर वीवो की बात करें तो इसके लुक में कोई बढ़िया फोन नहीं आता है। तो लुक वाइज अगर आपको चाहिए ओप्पो ले सकते हैं, बाकी अगर आपको रियल में बढ़िया फोन चाहिए तो आप वीवो T3X को ही लीजिए, बढ़िया सेट है,
मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।